हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेट वी स्टार्ट टुडे द क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस। एंड आवर क्वेश्चन इज, सम क्वेश्चन आर सॉल्व बाय अस। फर्स्ट वन, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कुछ मिक्सचर है यहाँ पर और उन्हें हमें सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अलग अलग सेपरेशन के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। फर्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। देखिए, सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो कैसे उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में दो प्रोसेस है। एक इवापोरेशन, इवापोरेशन आप उसको धूप में रखेंगे तो इवापोरेशन के द्वारा क्या होगा कि जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, स्टीम बन जाएगा, और जो बचेगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। या फिर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है, उसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद भी वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएंगे और पानी इवापोरेशन हो जाएगा। सेकंड, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए, अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हमें निकालना है। मिक्सचर हमारे पास में सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों मिक्स कर दिए हैं, तो हम उसमें से अमोनियम क्लोराइड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में सब्लिमेशन मेथड है। सब्लिमेशन मेथड आपको पता ही है। सब्लिमेशन मेथड जो होती है, अ मेथड इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट गैसियस स्टेट। उसको जब हम गर्म करेंगे तो सब्लिमेशन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग अलग हो जाएगा। एक जो होगा वो डायरेक्ट, जैसे हमारे पास में हम ये देखते हैं सब्लिमेशन एक प्रोसेस है हमारे पास, जो आगे हम देखेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। ये हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट की जगह हम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो ऊपर जो हमें जो भी सब्लिमेशन के द्वारा जो भी गैसेस स्टेट में आएगा वो हमें मिल जाएगा। अगला देखते हैं, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। भाई, इंजन ऑयल जो है कार के उसमें कुछ मेटल्स हैं, तो बहुत ही सिंपल है इसका। इसमें हम इसको छान के अलग कर सकते हैं बाय सीविंग। सीविंग मतलब छानना होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब भी छानना होता है। डी देखते हैं, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पिटल्स। जो फ्लावर के जो पिटल्स होते हैं उसको आप कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इन सेम सॉल्वेंट में से उसको डिफरेंट किया जाता है, उसको क्रोमेटोग्राफी हम कहते हैं। चलिए, ये हमारे पास में बटर फ्रॉम कर्ड। दही में से बटर को अलग कैसे करना है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होती है ना, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे होता है ना दाल वगैरह, सेंट्रीफ्यूगेशन से दाल या मिक्सर वगैरह जो होता है, जिसमें जो मिक्सर होता है गोल गोल घूमता है, सर्कुलेशन मूवमेंट होता है उसमें, और ये दोनों अलग कर सकते हो। मक्खन देखा होगा आपने कि मक्खन ऊपर की ओर आ जाता है। नेक्स्ट, ऑयल फ्रॉम वाटर। तो सेपरेटिंग ऑफ फनल, देखिए सेपरेटिंग ऑफ फनल जो होता है जिसमें दोनों के मिक्सचर को हम भर देंगे, जो लाइट होगा ऑयल लाइट होता है ऊपर आ जाएगा और वाटर जो हैवी वो नीचे हो जाएगा। तो जैसे हम नीचे के कॉक को खोलेंगे तो वाटर पूरा जो है वो कॉक के द्वारा नीचे चले जाएंगे और जो बचेगा वो ऑयल रहेगा। टी ल्यूज फ्रॉम टी, टी ल्यूज चाय की पत्तियाँ चाय में से अलग कैसे करेंगे, तो ये भी एक बाय सीविंग और फिल्ट्रेशन छान के द्वारा अलग करते हैं, जो हम जनरली डेली घर में यूज़ करते हैं। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस जो है वो सैंड से कैसे अलग करेंगे, तो मैग्नेट के द्वारा। वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, भूसे में से हमें अनाज को कैसे अलग करेंगे, तो बाय, चलो इसके बाद देखते हैं हम, वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। भाई, अनाज को कैसे हस्क से भूसे से अलग करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड आपने देखा होगा, जिसमें से हम अनाज को ऊपर से गिराते हैं जिससे जो हैवी होने के कारण ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे गिर जाता है
और भूसी उसके कुछ आगे जमा होती है। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में से मिट्टी के जो पार्टिकल्स उसको कैसे अलग करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, बाय फिल्ट्रेशन या फिर फिल्टर पेपर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंट बिटवीन सोल्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस। तो सोल की बात, कोलाइड की बात कर रहे हैं, तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं, सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। उसके बाद जो कोलाइड्स होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको आप आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी जो बहुत छोटे होते हैं और ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों के कंपेयर में बड़े होते हैं, तो हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन टॉपिक इसका। देखिए कोलाइड जो पार्टिकल्स होते हैं ये जब भी इसमें लाइट ऑफ बीम पास करते हैं तो इसका हमें पाथ विजिबल दिखाई देता है। उसके बाद में सॉल्यूशन में इसके पाथ नहीं देख सकते हम। उसके बाद जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल्स स्कैटर कर देते, बीम लाइट को फैला देते हैं। फोर्थ, इसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसको आप अनडिस्टर्ब भी करोगे तो भी नीचे नहीं बैठेंगे। सॉल्यूशन में भी बिल्कुल इस तरह से होता है, अनडिस्टर्ब करने पर भी ये स्टेबल होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल आपको जब सॉल्यूशन हम अनस्टेबल करेंगे, हलाएंगे नहीं उसको, तब ये नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे। फिफ्थ, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। इसको अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मिक्सर के द्वारा, मिक्सर होता ना इस तरह से घूमने वाले जो यंत्र, उसके द्वारा अलग कर सकते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, और जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, छानने के द्वारा। चलिए देखते हैं हमें सेपरेशन सॉल्ट और कंफूर के, सॉल्ट और जो कंफूर है उसके मिक्सचर को अलग अलग करना है, तो इसके लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है सब्लिमेशन मेथड, आपने देखा होगा। सब्लिमेशन जो होता है अ मेथड इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू इन सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट में जाए बिना ये डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। या हम दोनों के सॉल्यूशन को मिक्सर को जब हम उसको गर्म करेंगे तो कम्फूर जो होगा वो इसका ये डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाएगा और ऊपर हमें मिलेगा, और नीचे जो होगा वो सॉल्ट होगा। टेस्ट ट्यूब है, फनल है हमारे पास में उल्टी रख दी है, चाइना डिश है, ट्राइपॉड स्टैंड है जिस पर ये चाइना डिश को रखा है, और बर्नर जो कि हम गर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू।